नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। राज्यसभा में दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंदोलन खत्म करने की अपील करने पर किसान नेता राकेश शकैत का कहना है कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। किसान आंदोलन के बीच 12 से 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी थामेंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। अभी तक कुल 15 शवों की शिनाख्त हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट और बढ़ोतरी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 11,831 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। प्रशासनिक अधिकारियों की बदजुबानी और लापरवाही से तंग आकर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने जान दे दी है। बीएसपी नेता ने 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है और पूरे मामले में एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और वहीं देवरिया में पुलिस ने तस्करी कर लाई जा रही 530 पेटी शराब को एक ट्रक से बरामद किया। बाजार में इसकी कीमत 38 लाख रुपए। पुलिस ने इस ट्रक मालिक समेत 2 को गिरफ्तार किया है। आगे की छानबीन लगातार की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दूर के रिश्तेदार बुजुर्ग दंपत्ति की हाल ही में बदमाशों ने हत्या कर दी थी। हत्या में शामिल एक बदमाश को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 2 बदमाश मौके से भाग निकले। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। मोतिहारी में एक सामूहिक बलात्कार और निर्मम हत्या के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल हो गया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए खुद एसपी नवीन चंद्र झा ने कमान संभाली। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव के मामले में 50,000 रुपए के नामी को गिरफ्तार किया। खास बात यह रही कि पुलिस ने 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक उसका पीछा किया, जिसके बाद आरोपी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के विदिशा में 4 महिलाओं ने ग्राहक बनकर ज्वेलरी की दुकान से आभूषण से भरा एक डिब्बा गायब कर दिया। उस डिब्बे में 2 लाख से ज्यादा के गहने बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस इलाके में लगी सीसीटीवी की फुटेज देख रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डॉक्टर ने इलाज के बाद जब मरीज से अपनी फीस मांगी तो मरीज ने गुस्से में आकर डॉक्टर की उंगली दांतों से काट दी और अलग कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्लिनिक के अंदर हुए विवाद की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीनगर के चनापोरा एरिया में सीआरपीएफ की 29वीं बटालियन पर आतंकी हमला हुआ है। इस घटना में सीआरपीएफ के एक जवान के पैर में गोली लगी। बलिया में एक विवादित निर्माणाधीन मकान का काम रुकवाने गई पुलिस पर एक पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तहरीर पर 12 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने बीएचयू और उत्तर प्रदेश सचिवालय के फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 5 मोबाइल फोन, 8 विभागों की नियुक्ति पत्र बरामद किए गए। रायबरेली में एक टेलर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस की दुकान के इलेक्ट्रीशियन ने हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद में क्राइम ब्रांच ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2.5 करोड़ की हीरोइन और 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फौरन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। गिरोह का जल्दी खुलासा किया जाएगा। मैनपुरी में एक युवक ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब परिजन कमरे में पहुंचे तो आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बैंक के एटीएम बूथ में घुसकर चोरों ने कैश ट्रे के हिस्से को काटकर लाखों रुपए साफ कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। लखनऊ में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की जलकर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती किया। हरियाणा के झज्जर जिले में पिता ने बेटे और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बच्चों की मां ने धक्का देकर बेटे की जान तो बचा ली। आरोपी ने सो रही 11 साल की बेटी की गले पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार। बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने एक दिव्यांग की हत्या कर दी है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच कर रही है। और वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना अपनी फिल्म धाकड़ में फुल ऑन एक्शन अवतार में नजर आने वाली है। उन्होंने अपनी फिल्म की तस्वीरें शेयर की। शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कश्मीर की बर्फ में मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में शहनाज बर्फीली वादियों के बीच झूमती हुई नजर आई।
फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।